आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। वाकई में मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम लोग राजदरी देवदरी के टिकट काउंटर पे थे, राजदरी देवदरी के टिकट काउंटर पे थे, अरविंद भैया टिकट कटवा रहे हैं और यह एंट्रेंस है और मैं अंदर आ चुका हूँ। ये है कुछ रास्ता यहाँ का अंदर जाने का और मैं अंदर आ गया हूँ। अरविंद भैया अभी बाइक लेके आएंगे। कैमरे का चार्ज यहाँ पे 500 रुपये है। अगर आप कैमरा लेके आते हैं और कैमरे का टिकट आपको कटवाना पड़ेगा तो उसका चार्ज 500 रुपये है। अगर आप टिकट नहीं कटवाते हैं और अंदर ऐसे ही चले जाते हैं तो आप पकड़े जाने पर फ़ाइन दे सकते हैं, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मजबूरी है अगर आप कैमरा लेके आ रहे हैं और आपको वीडियो बनाना है तो आप 500 रुपये दे कर टिकट कटवा लीजिए, नहीं तो फिर आप कैमरा जमा करके आइए। ये डेंजर जोन है, इसमें मत रहिए। यहाँ पर जानवर आ जाते हैं इधर से। हाँ, ये वो खुद अलाउ नहीं करते हैं, कहते हैं गाड़ियों से जाना पड़ता है। अगर कोई पैदल आता है तो पैदल में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। अच्छा, नहीं तो मैं आ गया ना क्योंकि मेरे पास एक बैग था तो कहीं उस बैग को खोल के ना कोई देख पाए, इसलिए कहा कि एक कदम आगे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना मतलब दूरी है अभी खड़े हम लोग। प्रवेश किए हैं और काफ़ी दूरी है क्योंकि हम लोग लगातार अभी जाते ही जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम अंदर आ चुके हैं। अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं, आइए आपको खूबसूरती दिखाते हैं अंदर का। अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, झरने मिलेंगे, ऐसे झरने मिलेंगे कि मतलब आप प्रकृति की वो अलग ही छटा रहेगी। वो कितने कई सारे झरने हैं क्या? नहीं, एक राजदरी में है, एक देवदरी में है। राजदरी देवदरी पास ही में है। अच्छा, दोनों अलग अलग जगह है। हाँ, दोनों अलग अलग जगह है और एक जगह पर जो है बहुत विशाल झरना है जो पहाड़ों को काट काट कर उस पानियों का प्रभाव रहता है उसमें। स्टैंड पर आ चुके हैं हम लोग। नहीं निकालेंगे यार, निकाले तो ठीक है, चौबी हाथ है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर आने के बाद ये पार्किंग है और यहाँ पे आप गाड़ी खड़ा करके अंदर जा सकते हैं। यह है कुछ एंट्रेंस गेट इसका। शुरुआत में एक रेस्टोरेंट है, नहाना मना है क्योंकि एक बोर्ड लगा हुआ था, आगे झरना है और नदी है तो उसमें स्नान करना मना है, अगर वर्जित है। अगर आप स्नान करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना ठोका जा सकता है। देखते हैं, झरने की आवाज़ आ रही है इधर से साइड से। बहुत ही विशाल झरना है, आप बात करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पास जाएंगे तब पता चलेगा क्या है। अरे हम तो एक बार उसमें चले गए थे, वहाँ पर नीचे पनिया को रहा वहाँ पे, वो बैरिकेडिंग भी लगे नहीं लगी थी फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ हाँ, फोटो आया था बड़ा ज़बरदस्त, लग रहा था ना मैंने बाहुबली का सीन आया था। अच्छा, बस तो ज़्यादा पानी गिरा था नीचे ज़्यादा हमारी तो उतना ज़्यादा पानी होगा उस समय कभी नहीं। पानी था और बैरिकेडिंग में थी, बहुत पहले आए थे, फिल्म के शूटिंग था उसमें 8 साल पहले। अच्छा, देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, एक बार आप लोग देखिए इसे ध्यान से। नीचे चल रहा हूँ, नीचे चल के आपको दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं और यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं। नीचे नीचे वाले पे चबूतरे पे पानी नहीं था, उसको पानी से तरह चल रहा था। पानी से चला तो क्या दिक्कत है, ऐसे पानी में क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी वाइट थी फोटो में। फिसलने का डर होगा ना उससे। अरे तो उतना चबूतरा थोड़ा चबूतरा था तो खड़े थे ऐसे, हम लोग देखे उधर बैठे हुए हैं इसलिए ड्रोन का प्रॉब्लम।
काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं नीचे जो वाटरफॉल है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, वाकई में मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितना सुंदर वाटरफॉल है, काफ़ी खूबसूरत है, मन खुश हो जाता है यहाँ पर आकर। अरविंद भैया लेके आए भैया, मुझे पता ही नहीं था कि इतना अच्छा जगह है वो भी इतने करीब। मतलब आप अगर बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया आसपास के हैं तो एक दिन में आके घूम के और अच्छे से इंजॉय करके जा सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत ही अच्छी जगह है और इतनी स्पॉट है, आप यहाँ पर पूरे फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ आइए, किसी के भी साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, गर्लफ्रेंड के साथ आइए, इंजॉय करिए, रोमांटिक प्लेस है।